हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज एक बहुत ही अलग सा डिज़ाइन सिखा रही हूँ जिसे आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और अपने बालों को बहुत ही अच्छे से सजा सकते हैं या हाथों में पहन सकते हैं। तो आइए नया डिज़ाइन देखते हैं कैसे बनता है। तो इसके लिए मैंने ये धागा लिया है, दो कलर का। आप अपने हिसाब से धागा ले सकते हैं, ये रबड़ मस्ट है, या गोल वाला लें या इस टाइप का लें। और ये क्रोशिया हुक मैंने 3.5 mm का लिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ इस तरह से एक स्लिप नॉट बनाएं, यानी एक लूप डालें फंदा। यहाँ से पकड़ूंगी मैं, यहाँ से लें। सेम कलर का हो धागा और ये तभी भी अच्छा है। दूसरा कलर सेम ना मिले तो मेरे जैसे दूसरा भी ले सकते हो। तो यहाँ मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से सिंगल क्रोशिया पूरा बनाना है कि जब तक ये पूरा ढक ना जाए, कोई गिनती का नहीं बनाना है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल पर, अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो इस तरह से पूरा एकदम सिंगल क्रोशिया से हमें इसे ढक देना है, अच्छे से बनाते हुए पूरा कवर कर देना है। तो यहाँ पूरा कवर हो गया अच्छे से। फर्स्ट में आके यहाँ स्लिप स्टिच। अब यहाँ से आप चाहें तो दूसरा कलर भी लगा सकते हैं, मैं सेम अभी लगा रही हूँ। एक, दो, तीन, तीन लाइन के और एक अलग सा। फिर सेम जगह में जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया है, सेम जगह में यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन, अगले में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर सेम जगह में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में अगले में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, सेम जगह में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, अगले में डबल क्रोशिया, एक चेन, सेम जगह में यहाँ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर सेम जगह में डबल क्रोशिया। यानी हमें नीचे से हर एक में दो दो बार बनाना है। यहाँ हमने दो बनाया, इसमें हमने दो, लेकिन ऊपर एक एक चेन सभी में जाएगा। इससे क्या होगा, बहुत सुंदर सा इस तरह से एक रफल आ जाएगा। इस तरह से एक चेन सभी में डालना है, एक चेन डबल क्रोशिया, एक चेन डबल क्रोशिया, और नीचे हर एक में दो दो। तो इस तरह से पूरा कवर करें। आगे का डिज़ाइन मैं दिखाऊंगी किसका फिनिशिंग लाइन कैसे बनाना है। तो यहाँ इस जगह पे पहुँच गए हैं यहाँ से। तो जब दो दो बनाए जाएंगे तो इस तरह से ऐसे ये कर्ल की तरह बन जाएंगे। यहाँ जैसे रफल होता है ना कपड़े का, वैसे एक, दो, तीसरा। यहाँ यहाँ से हम स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बना के हम यहाँ कट कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इधर अब नया धागा लगाएंगे, इसका बॉर्डर बनाएंगे। फ्रेंड्स, बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में बहुत ही सुंदर है। तो इस धागा को इधर ही रहने दें, इस जगह से हम लगा लेंगे यहाँ से। यहाँ से पहले इस तरह से एक लूप बना लें, यहाँ से लें, और इस कटे हुए धागे को भी साथ रखेंगे। फिर यहाँ से एक चेन, और इस वाले के ऊपर हमें बुनना है, यानी स्लिप स्टिच करना है। डाल लिया इसके ऊपर, फिर यहाँ एक चेन, यहाँ से अंदर लेंगे स्लिप स्टिच, फिर एक, फिर इसके ऊपर, फिर एक, चेन हर बार लेना। फिर एक
इस बॉर्डर को बनाने में बहुत ही आसान है। यहाँ सिंगल आ गया, दोनों चेन आनी चाहिए, सिंगल नहीं दोनों चेन। मैं यहाँ तक इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ हमारा धागा कटा हुआ है, इसलिए ऐसे ही साथ में रख के हम बुनते चले जाएंगे। चेन लेंगे यहाँ, फिर लेंगे इस वाले से, दो लेना पड़ेगा यहाँ, फिर यहाँ, इसी तरह से ये पूरा लाइन हम बना लेंगे, एक लाइन पूरा। अब जोड़ना मैं दिखाऊंगी किस तरह से यहाँ जोड़ के कट करना है। तो ये अच्छे से बन गया। अब यहाँ फर्स्ट स्टिच में आएंगे ऊपर, इसका बॉर्डर देखिए कितना खूबसूरती से बना हुआ है। यहाँ इसमें आएंगे और यहाँ से इस तरह स्लिप स्टिच करके धागे को हम कट कर देंगे। धागा हो गया कट, अब यहाँ से हम थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, नीचे ले जाएं, फ्रेंड्स मेरे नाखून थोड़े से इन्फेक्शन हो गए हैं इसलिए इनमें अभी ठीक हो जाएंगे कुछ दिन में, तो फिर ये ठीक हो जाएंगे। इनको ज़बरदस्ती साफ़ या कुछ नहीं किया जा सकता, एक ही मैंने कई सारे में रखी हो गए हैं इसलिए इनको थोड़ा दिन मुझे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद सही हो जाएंगे। आप प्लीज़ डिज़ाइन पर ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए मेरे नाखूनों पर नहीं। तो फ्रेंड्स कितना सुंदर ये हो गए, आप देखिए, लगाइए, हाथ में पहनिए, बाल में लगाइए, जहाँ इच्छा हो यूज करिए, और इतने सुंदर बन गए हैं ये कि क्या बोलूँ। आप अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। थैंक यू।